छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहां पर चुनाव प्रचार अब थम गया है, लेकिन कल जो आखिरी दौर का जो चुनाव प्रचार था उसमें तीखी बयानबाजी हुई। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार अपने दुख से पीड़ित हैं, और उन्होंने उसमें तेरे नाम फिल्म का जिक्र किया जिसमें कि सलमान खान शुरू से लेकर के शाम तक, शुरू से लेकर मूवी के आखिरी तक वो दुखी रहते हैं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है ना। प्रधानमंत्री जी, हमने तो कई दफा कहा, मैं मुझको फलाना कहा, मुझको धमकाना कहा, कल्पना करते हैं, मुझे गालियां देते, कौन देता साहब? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे दुख इस बात का है कि कल प्रधानमंत्री जी एक सभा में बोल गया कि कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे फांसी दे रहे हो। ये प्रधानमंत्री जी की जुबान है। अरे, कल को आप नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, ये देश होगा। यहाँ के लोकतंत्र में संवाद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी की टीम से भी कहूंगा, 2011-12 से पूर्व क्या इसी तरह की जुबान बोली जाती थी? कितने आम चुनाव देख लिए इस देश में, कितनी विधानसभाओं के चुनाव देख लिए। अब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी और उनके टीम के गरिमाविहीन वक्तव्य के कारण विपक्ष से भी उसी तरह की चीजें आ जाती है। नुकसान किसका हो रहा है? लोकतांत्रिक संवेदनाओं का। इसको बचाना सामूहिक जिम्मेवारी है, और प्रधानमंत्री जी के रूप में आपकी जिम्मेवारी बाकियों से थोड़ी ज्यादा। सर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी खुलकर के बयानबाजी हुई। पहले प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा कि उन्होंने उनके साथ यूपी चुनाव में काम भी किया था और उनका कद छोटा है लेकिन एरोगेंस का लेवल बहुत हाई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सलाह दी कि पहले वो अपने परिवार का एरोगेंस देखे, आईना देखे, और कि उनके परिवार में किस लेवल तक एरोगेंस है। मुझको ये कहना है, देखिए, अहंकार, इस तरह की चीजें, इसका जिक्र चुनाव में गाहे बगाहे होता है। एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि ज्योतिरादित्य जी का अधिकांश करियर, पॉलिटिकल करियर, उनके पिता का कांग्रेस में भी था। कई सारी चीजें की वाकिफात होंगी उधर भी इधर भी, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि चुनाव में व्यक्तिगत आक्षेप से गरिमा गिरती है। और मैं फिर से कहता हूं जो मैंने आपके पहले प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जी की भूमिका, अगर वो बार ऊंचा करेंगे तो बार ऊंचा होगा, अगर बार गिरेगा तो कहां तक नीचे जाएगा, फिर क्या चुनाव, क्या ही नतीजे, क्या हासिल कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल एक रैली में, राजस्थान की चुनावी रैली में, ये भी कहा कि राजस्थान में अगर लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना है, कल्चर यहाँ का बचाना है, तो कांग्रेस को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मणिपुर में क्या करूंगा? मणिपुर तो जीता जागता उदाहरण है। मतलब चुनाव है तो कुछ भी बोल जाए, कुछ भी बोल के निकल जाए। अब तो मणिपुर गए तक नहीं प्रधानमंत्री जी, सिसक रहा, धधक रहा। तो जब मैं बार बार कहता हूं कि जब कभी कोई टिप्पणी करे ना, एक आईना सामने में होना चाहिए ताकि अपनी भी कार्यशैली, अपनी भी चीजों का थोड़ा आकलन हो। तो इसमें सर अमित शाह जी का भी एक बयान है, छत्तीसगढ़ में वो थे, छत्तीसगढ़ में कल दूसरे दौर की वोटिंग होनी है, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस शासन में लव जिहाद का हब बन गया है। अब गृह मंत्री जी से हमने कई दफा पार्लियामेंट में पूछा लव जिहाद के बारे में, कोई उत्तर नहीं आया। अब लव जिहाद याद आता है चुनाव में, अरे लव और जिहाद ऑक्सीमोरोन है, एक साथ नहीं चलते। अगर वतन से भी मोहब्बत है ना गृहमंत्री जी, तो लव के साथ ये शब्द नहीं चलेगा। बाकी दुनियावी मुद्दों पे लड़िए ना साहब, थाली पे बात नहीं करते हैं, रोजगार पे आप बात नहीं करते हैं, देश का विकास समावेशी कैसे हो इसकी बात नहीं करते हैं, और जातिगत जनगणना पर तो मोटी चादर से मुंह ढक के बैठ जाते हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए ना सर। लेकिन नड्डा साहब का भी ये कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन चुनावों की वजह से ये पार्टी राम भक्त पार्टी में तब्दील होती है। इस तरह के बयानों पर क्या टिप्पणी? राम कौन से राम नड्डा साहब? आइए हमने सामने बैठते हैं, आपके राम कौन है, हमारे राम कौन है, शास्त्रार्थ हो जाए, बातचीत हो। क्या आपके राम वही मर्यादा पुरुषोत्तम है जो गांधी की संकल्पना थी? तो चुनाव इन पे थोड़ा ही है, राम भक्ति का चुनाव थोड़ी ही हो रहा है, कहां ले जा रहे हैं देश को भाई? रोजगार पे चुनाव होना चाहिए, थाली पे चुनाव होना चाहिए, पड़ोस में सौहार्द रहे इस पे चुनाव होना चाहिए। लेकिन नड्डा साहब, आप लोग तो वही ओढ़ते बिछाते हैं, वही गजल हमेशा सुनाते हैं कि कहीं से भी इंडिया पाकिस्तान हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आता है।
सर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र बेटे का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था। अब उस वीडियो के बारे में एक सफाई बीजेपी की तरफ से आई है, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ये वीडियो कनाडा से रिलीज किया गया। तो मतलब वीडियो रिलीज किया गया, इसमें दिक्कत है या वीडियो के कंटेंट पे दिक्कत होनी चाहिए? मतलब महत्वपूर्ण सवाल ये है, ये रिलीज टिम्बक्टू से हुआ या चांद से हुआ? मुझे सिर्फ चिंता इस बात की है कि वो ईडी जो 5 रुपए का सिक्का भी सूंघती है करोड़ों की डील को, नागपुर माल रख लिया, आग पे पट्टा रख लिया, कहां ईडी, कहां आईटी, कहां सीबीआई? सवाल वो है, कैलाश विजयवर्गीय जी वही पूछना चाहते होंगे क्योंकि थोड़ा बहुत वाकिफ हूं मैं वहां की राजनीति से। रिलीज कनाडा से हो या कहीं से हो, उससे कोई फर्क नहीं सर एक कास्ट पड़ता। सेंसस को लेकर गांधी का बयान था, उनका ये कहना है कि अगर जो देश की ओबीसी पॉपुलेशन है या जो ट्राइबल समाज है, अगर वो अपनी एक्चुअल स्थिति अपनी संख्या के बारे में जान पाएगा तो वो देश को बदलने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने कहा कि लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कि खुद को दावा करते हैं कि ओबीसी, वो तो लगातार एब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे वो हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने बिहार में ये पहले 2 अक्टूबर को सर्वेक्षण आया, उसके बाद ये रिपोर्ट आई, विस्तृत रिपोर्ट है, इसको एक्सरे कहिए, एमआरआई कहिए, पूरी की पूरी डायग्नोसिस इसके बेसिस पे हो सकती है। समाज बदलेगा, अर्थव्यवस्था बदलेगी, यही वो भी कह रहे हैं जो नीतीश जी तेजस्वी जी ने वहां किया। इससे प्रधानमंत्री जी जातिवाद कैसे फैलेगा? प्रधानमंत्री जी के साथ दिक्कत है कि बार बार कहते हैं इस तरह की रिपोर्ट से, इस गणना से जातिवाद नहीं। प्रधानमंत्री जी जो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, उसकी संभावना भी बनेगी और विकास का प्रतिमान जो हमारा होगा ना, वो 5 करोड़ पूंजीपतियों को विकसित करने का प्रतिमान नहीं होगा।